ప్రార్థనాస్ కారణాంచ క్రోమి ఆరాధనం జానామిన జానామి తరా బలమని శత్రుగా ప్రమాణకి జై ఆ శత్రు బయటని सती हंसिया ने उनके मुकुंद महर्षि श्राप पर जब उपतिव्रता होने के कारण उसका देहांत न हो ऐसे प्रार्थना के लिए सती हंसिया के पास गई और कश्यप महामुनि नाम रहे उसकी प्रार्थना करने पर उसके सतीत्व को यानी सुमती के पतिव्रता धर्म को देखकर हंसिया माता ने कहा जिसकी पत्नी इतनी पतिव्रता हो उसे वो उसका पति मरेगा कैसा। और उसने कहा था मुकुंद महर्षि का सूर्योदय से सूर्योदय के पहले तेरा पति मर जाएगा। और माता अनुसुया की शरण में स्मृति जब गई कौशिक महामुनि को लेकर जो कुष्ठ व्याधि से पीड़ित थे उनको लेकर जब गई तो सती अनुसुया ने कहा कि पतिव्रता स्त्री का पति कभी मर नहीं सकता और उन्होंने सूर्य नारायण को उन्हें से रोक दिया था। वो क्रिया क्या थी सभी लोग जानते हैं कि सूर्योदय नहीं हुआ सारा ब्रह्मांड सारे देवता सती अनुसुया से प्रार्थना करने लगे कि माँ आपने सूर्य को उगने से रोक दिया है तो सूर्य नहीं उदय हो रहा है सभी लोग संध्या वंदना करना यहाँ भोजन करने वाले योग करने वाले सभी लोग रुके हैं आप सूर्य का उदय होने दो ऐसा सती अनुसुया से प्रार्थना करने लगी। सती अनुसुया ने कहा पातिव्रत धर्म की श्रेष्ठता बता दो यह तो सभी को मालूम है कहानी के रूप में लेकिन यह नहीं मालूम कि सती अनुसुया ने सूर्य को रोका किस तरह ऐसी कौन सी शक्ति थी जो सूर्य उदय उगने से रुक गया। वो ऐसी एक नाटक शक्ति थी जो अपने पति के माध्यम से उसने प्रार्थना प्राप्त की। आपको इससे पहले मैंने बताया उमरी नांदेड़ के पास एक गांव है वहाँ एक महाराज रहा करते थे। एक बार वहाँ उस समय नांदेड़ को हैदराबाद से नांदेड़ जाने वाली एक ही ट्रेन चला करती थी तो बहुत सारे शिष्य कोई उत्सव था उनको उनके पास गए और बैठे थे तो उतने में कहा जो ऐसा ही भोजन का समय हो गया वो एक बजे करके ट्रेन स्टेशन पर आती थी और स्टेशन से आश्रम 5 किलोमीटर दूर था स्टेशन की गाड़ी की सीटी और गाड़ी जाने की क्रिया उनको दिखती थी। तो सभी शिष्यों ने कहा महाराज हम प्रसाद लेकर जेब में डाल लेकर ट्रेन में खा लेते हैं आप चले जाते हैं ट्रेन चले जाएगी हमारी हम नहीं जा सकते आप कुछ न कुछ ऐसा करो। तो महाराज ने कहा तुम सब निश्चिंता से खाना खा लो ट्रेन कैसी जाती है मैं देखता। सब लोग ये परेशान हो गए कि ट्रेन कैसी जाएगी महाराज 5 किलोमीटर दूर से नहीं मारा वो कोई गार्ड का आपका दोस्त है क्या कोई फोन करके रोक के क्या किसी आदमी को भेजा है क्या तुम्हें क्या करना है मैं किसी को ऐसा तुम खाना खा लो ट्रेन नहीं जाएगी मेरा वचन। अब जितने शिष्यों को भरोसा था वो लोग बैठ गए जिसको भरोसा नहीं था वो लोग ऐसा ही बोलते हैं सर अपने को जो भी चरण छुएंगे आज मिट्टी लेंगे प्रसाद लेंगे कुछ तो करके चले जाएंगे इस उद्देश्य से सभी लोग चले रहे। लेकिन जो रुके महाराज प्रसाद के लिए उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया प्रसाद ग्रहण करने के बाद ट्रेन आ गई और स्टेशन पर खड़ी थी। ये सब जो 5 किलोमीटर चढ़ के ट्रेन तक जाना महाराज ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है आपने तो कहा प्रसाद भोजन करके जाओ ट्रेन चले गई तो फिर हमें कल तक के लिए रुकना होगा आप इसका दे तुम निश्चिंतता से यहाँ जाओ वहाँ 5 किलोमीटर जाने के बाद आपके पास मैं ये जो पंचा दे रहा हूँ ऊपर डालने का पंचा लाल पंचा इसको घुमा देना तब ट्रेन चलेगी। महाराज बोले क्या सिग्नल है क्या हम क्या गार्ड है क्या सब बताएंगे और ट्रेन चलेगी आप क्या बात कर रहे हैं आप करो तो जाओ तो सही ये मैं उन्होंने बात की। यहाँ शिष्य खाना वाले खा के प्रसाद लेके जो पहले गए थे वहाँ सूखे भूखे पेट बैठे हुए थे प्रसाद लेकर के जो गुरु को आज्ञा नहीं माने और वहाँ गए थे वहाँ खड़े हुए थे ये जब लोग आए वहाँ के खड़े हुए हैं ये लोग आके देख रहे हैं कि ट्रेन आके खड़ी क्यों है। अरे गार्ड वगैरह सब परेशान है बोले किस लिए ट्रेन क्यों है आज कभी ना किसी ने बोला सब मशीन वगैरह सब ठीक है लेकिन ट्रेन नहीं चल रही है क्या बात। महाराज ने कहा ये लोग बोले अरे महाराज ने कहा कहो लाल पंचा घुमाओ महाराज ने बोला अरे गार्ड को फिर भी ये लोग अपनी सृष्टि के लिए अभी साफ ट्रेन में क्या खराबी हुई कुछ खराबी हो गई क्या ट्रेन कैसी हुई अरे खराबी नहीं है यार तब से देख रहे ट्रेन नहीं चली आके रुक गई है। तो तब ने कहा महाराज हमारे महाराज वहाँ बैठे उन्होंने कहा कि मैं लाल पंचा है उसे घुमा दो वो देखेंगे तो ट्रेन चलने लगेगी। अरे मैं जल्दी घुमाऊ ट्रेन वाले का क्या क्या चमत्कार है समझ नहीं आई उसने लाल पंचा हिला दिया हिला देते ही ट्रेन की आवाज सिटी बजे और ट्रेन चलने लगी। आगे सभी को पता चला कि हुआ क्या था महाराज एक बार इस सिटी को हम ट्रेन को रोक सकते हैं ये सिद्धि हमारे को भी दे दो। तो उन्होंने कहा था कि ये त्राटक की विद्या है त्राटक से किसी भी चलती विद्या चलती चीज को हम रोक सकते हैं ये विद्या से अगर आज का संत सन्यासी ट्रेन को रोक सकता है तो माता से सूर्य को उठने से रोकने इसमें कोई बड़ी बात नहीं तो त्राटक विद्या होती क्या। आज भी अगर आप कहीं
सप्तर्षि आश्रम है अपने गुरुकुल कांगड़ा के बाद, वहां आज भी सिद्धासन से योगी आते हैं। सभी अंग्रेजों ने देखा है, चाहे लोहे का टुकड़ा वहां उनके सामने 3 मीटर पर रखा हुआ हो, वे केवल अपनी आंखों की दृष्टि से उसे भिजा देते हैं। ये आंखों की उस शक्ति है जिसे त्राटक विद्या के साथ गुरु ने कहा। ऐसी विद्याएं आज भी इस भारत में है, लेकिन हम विद्याओं को किस तरह करना चाहिए इसका ज्ञान हमें नहीं है। क्यों उस विद्या को पुनः जागृत ना किया जाए, ये गुरु जी का कथन था। अगर ये विद्याएं हैं तो उसे पुनः जीवित करेंगे, और यही ज्ञान गुरु जी ने कार्य किया था। जैसे सती अनुसार उसने योगियों को रोकती है और उसकी रक्षा करती है, तो उस कौशिक महावीर सुमति के पति कहलाते थे। जब पत्नी पतिव्रता होकर उनको पति को पतिव्रता धर्म का शीर्षता हुई, और उन्हें जब पता था कि कौशिक महावीर एक कुष्ठ व्याधि ग्रस्त व्यक्तित्व है, उनकी सेवा और पतिव्रता धर्म से मैं इस संसार को जीतूंगी, है अपनी जिद के कारण मैंने उसकी उनके साथ शादी की। लेकिन सुमति माँ आने से पहले, सुमति माँ पत्नी होने से पहले भी कौशिक महर्षि बहुत सिद्ध थे। उनकी सिद्धता के बारे में इतना कहा जाता है कि वे इस संसार में जिस देवता को बुलाते देवता खुला कर सामने आज भी खड़े हो जाते। इतनी सिद्धि उनके पास थी, वे मृत्यु को रोक सकते थे, इतनी सिद्धि उनके पास थी। लेकिन आपके अच्छे हुनर वाले आदमी के पास कोई ना कोई बुरी आदत जरूर होती है, या तो पीने की, या तो खाने की, तंबाकू जमाने की। अब आप मैं बार बार सारे आदतों को कहकर दोहरा हूं, आप सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह है। इसके बारे में आप निष्णात हैं, आप तो विद्यावान है, विद्या आपके जानते हैं। तो वैसे कौशिक महावीर को स्त्रियों के पीछे घूमने की विद्या ज्यादा थी, स्त्रियों के पीछे घूमते थे, उनको कुष्ठ विद्या आती, कुष्ठ व्याधि आती थी। तो उनके पास उस समय हजारों शिष्य रहा करते थे, जो उनको जाकर देखकर देवताओं को बुलाने की क्रिया करते थे। दिन दिन उनकी कुष्ठ व्याधि से शरीर पीड़ित होते गया, शरीर पीड़ित होने गया, तो उससे इतनी दुर्गंध आती थी कि कोई शिष्य काम करने के लिए रुकना नहीं चाहता था। हजारों शिष्यों से केवल 5 शिष्य हो गए आशीर्वाद की, और ये इतनी गालियां बकते थे कि शिष्य कोई सुनता तो दूसरा अपना कान मुंह से इतनी गालियां देते थे। मैं तेरे को वो विद्या दिया हूँ, उस विद्य दिया हूँ, मेरी सेवा नहीं करता क्या, किसकी आया है क्या है, यानी जितनी भद्दी गालियां संसार में होती है वो सारी भद्दी गालियां दिया करते थे। और किसी न किसी लड़की को सामने ला के देने की बात करते थे शिष्य को, शिष्य कब तक बेचारा सहन करे। बहुत सारे शिष्य चले गए, केवल 5 शिष्य रह गए। पांच शिष्यों में भी एक बार क्या हुआ, इनका घर भेज दिया और एक लड़की बुलाने के लिए गए। तो आखिर में परिस्थिति ऐसी हो गई कि घर भेज दिया, दार भेज दिया और लड़की बुलाने गए। घर पर ऐसा गया तो शिष्य कहाँ रहे, आश्रम भी भेजे गया, गाँव में भी भेजे गई, बोले हे प्रभु अब सब गया, हम कहाँ रहेंगे, ना आपने हमारा घर छोड़ा आपके लड़कियों के लिए, ना तुम्हारा घर छोड़ा, अब तो हम घर ही हो गए हैं, हमें कैसा करना क्या करना चाहिए। अरे बोले तेरे को पता नहीं, यहाँ से 5 किलोमीटर एक पहाड़ की कंदराए हैं, वहाँ एक नाला बहता है, वहाँ अच्छी गुफा है, चल वहाँ जाके रहेंगे। प्रभु आप तो रहेंगे, हमारी स्थिति क्या, तुम्हारे गुरु तुम्हारे शिष्य बनकर आखिर हमारी स्थिति ऐसी आ गई कि हम जंगलों में जाकर गुफाओं में रहने लगे। उसमें से 2 शिष्य कट गए, 3 शिष्य रह गए जो गुरु के प्रति बहुत निष्ठा मान थे। वो बोले चलो गुरु करेंगे, गुरु को बोले लेने के, जब गुरु के पास जाते थे उनके शरीर से दुर्गंध छूटती, उनको लेना मुश्किल का काम था। फिर भी उनको एक गाड़ी पे बिठा के कोई गाड़ी और घड़ा वाला उनके पास आने के लिए तैयार है। आखिर में कहा प्रभु इतनी दूर कहाँ जाते हैं, यहाँ थोड़ा सा श्मशान है, श्मशान में बैठ जाएंगे, कहीं श्मशान में रात गुजारेंगे। श्मशान में गए तो श्मशान का चांडाल था, उसने देखा अरे अरे किसको ले गया, इतना दुर्गंध क्या है, क्या सुअर मरा है, क्या मरा है। उसने कहा कि कौशिक मामूनी आए, इतना दुर्गंध, अरे इसको ले जाओ, इसको यहाँ पे लाए, इसको श्मशान में रहने के लायक भी नहीं, इसे ले जाओ। चांडाल भी रखने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ये महाराज स्वस्थ थे, बोले यहाँ कोई लड़की मिलती है श्मशान में। शिष्य क्या करे, शिष्य को जो शिष्य का अपना धर्म था, वो शिष्य धर्म कहाँ करके मारा, पाप विचार वो तो तंग हो गया था। आखिर चांडाल ने कहा इसको निकाल लेते हो या मुझे कुछ करो, मैं फेंक दूँ इनको ले जाके, यहाँ चिता जल्दी चिता में फेंक देता हूँ। आखिर कौशिक मुनि की स्थिति ये आ गई, तो दूसरे क्या हुए, बोले शिष्य प्रार्थना गुरु के प्रति निष्ठावान थे, बोले गुरु को छोड़ दो हमारे, हम किसी भी तरह सुबह तक रात में सोने की आज्ञा दें, रात में सोने की आज्ञा तब देता हूँ, ये लड़की को ना मांगे, ये बात पहले कर लो। वो गुरु के चरण छुए और बोले प्रभु आज एक रात के लिए, कल जाएंगे पहाड़ खंदराओं में, आज एक दिन के लिए आप लड़की मत मांगो, नहीं तो यहाँ से निकाल देगा, अभी तो रहने के लिए जगह नहीं। कौशिक महाराज ने कहा सारे तुम गलत शिष्य है, कोई गुरु का कार्य नहीं करते। शिष्य ने सुन लिया, फिर भी कहा रुक के किसी भी तरह रुके, और वहां सुबह हुई तो खंदराओं के लिए चल गए। चले जाने के बाद जब वहां गए
तो उन्होंने क्या उस जंगल में बैठे रहे, बोले मेरे को वो खाना नहीं लाया, ये खाना नहीं, अभी ये कंदरा गुफा में कल तक अच्छे खाते थे, अब कंदमूल मिलने लगे, वो कंदमूल खाते तो तुम्हारे ऐसे बेकार शिष्यों के मिलने से मेरे आज ये कंदमूल खाना पड़ रहा है, मैं अच्छा होता तो कितने कितनी सिद्धियों के साथ खाता था। अब धीमे धीमे उनकी सिद्धियां चलने गई, तीन शिष्यों में से दो ही शिष्य रह गए, एक शिष्य छोड़ के चले गए, इनके पास तो इस गुरु के पास नहीं रह सकते, वो चला गया। और एक शिष्य ने जब उनकी उनका इनकी सेवा से शिष्य करनी शुरू कर दी, बाद में इनको पता चला सिद्धिमान पुरुष तो थे ही कौशिक महामुनि, तो उन्होंने सुमति को अपनी पत्नी के रूप में वरण किया, वो किस तरह का वशीकरण था, उन्होंने सुमति को अपने उपवास किया जो पतिव्रता धर्म को निभाना चाहती थी, केवल कौशिक महामुनि के साथ सुमति थी और वो दुर्शिष्य थी। आखिर तक ये हुआ कि एक दिन वो बैठे बैठे उन कंदराओं की गुफाओं में बैठे हुए थे और सुमति माता को इतना सताया करते थे लोग कि इतना सताया करते थे कौशिक महामुनि कि वो पतिव्रता धर्म निभाना चाहती थी, पतिव्रत धर्म के लिए उसकी परीक्षा इतनी ली उन्होंने कि वो खाना खाते तो एक आई को खाया और अपने मुंह से थूक देते थे और कहते थे कि मेरी सेवा कर और तेरी साड़ी पहनी हुई जैसे उससे मेरा व्याधि का जो भी हुआ है उसको भूल दे, इतना सताया कि लेकिन वो पतिव्रत धर्म के कारण उनकी सारी सेवा शुश्रा करते थे और ये दो शिष्य देखते थे और कहते थे माता किस तरह तुमने इस ऐसे पति को वरण किया है, किसलिए आई हो, हम किसी भी तरह इनकी सेवा करके जीते थे, आप क्यों आए। तो उन्होंने कहा कि जब तुम शिष्य धर्म निभा रहे हो तो मैं भी देखती हूँ कि जब आप में इतना इतनी सहन शक्ति है तो गुरु के सेवा करने से पति की सेवा करने से हम इंद्र के भी पदवी को सूर्य को अगर हम रोक सकते हैं ऐसा कहा गया है, सारी प्रकृति को अपने कंट्रोल में सकते हैं, तो देखेंगे कि इसमें इस क्रिया में शक्ति है या नहीं। और कौशिक महामुनि के दोनों शिष्य करते थे। एक दिन हुआ क्या कि वो ये बैठे थे तो उन्हें घोड़ों के टापों की आवाज सुनी आई। रोज गलियां देने वाले पति को उन्होंने बोला प्राणप्रिय इधर आओ, पहली बार उनके मुंह से जीवन में उन्होंने ये सुना कि प्राणप्रिय, बोले पति इतना स्वार्थी यार मुझे प्राणप्रिय बुला रहा है, फिर बात क्या है, कहिए क्या बात, बोले तू तो जानती है मैं इस संसार में कैसा हो गया हूँ, कैसा आदमी था, कितना सिद्ध पुरुष था, कितने महल घोड़े गाय शिष्य थे, आज मेरी स्थिति को तो देख रही है किस तरह मेरी स्थिति हो गई है, लेकिन आज क्योंकि तुझसे बहुत प्रेम हो गया है तू जानती है, बोले कहिए क्या बात करते क्या कहा तू यहाँ में कुछ खाना चाहिए आपको कुछ ला के दूँ क्या करूँ, तो बोले कुछ नहीं अभी मेरे पास देने के लिए तो कंदमूल है, अरे तू क्या यार यही मैं अच्छी तरह जानता हूँ यहाँ तो कंदमूल ही रही तू और वो नाले का पानी पिलाएगी इसे सब मुझे दे जा सकती है, लेकिन फिर भी प्राणप्रिय और मेरी एक इच्छा हो रही, बोले क्या अभी अपने घर के पास से तूने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी जिसको घुंघरू लगाए गए थे, मैं नहीं सुनी, अरे सुनी कैसे नहीं, हाँ हाँ सुनी, बोली बात शिष्यों को पूछा गया तुमने सुने, हाँ सुना, हाँ हाँ मैं जब जा रहा था मैं नाले पे खड़ा हुआ था, तुझे पता है उस घुंघरू वाली टांगे में कौन बैठा हुआ था, उस घोड़े पर कौन बैठा हुआ था, अरे एक जमाने की रत्ना नाम की वेश्या थी, उसकी बेटी छोटी थी अब जवान हो गई है, उसको देखे तो मेरा दिल चकरा गया, अब कुछ ना कुछ कर ये आखिरी बात है उस वेश्या को मेरे पास ला दे, एक पत्नी को पूछ रहा है एक पत्नी, दोनों शिष्यों में इतना गुस्सा आया इसको गला घोंट दो क्या हुआ, ऐसा गुस्सा है अपनी पत्नी को इतना कष्ट पहुंचाता, पत्नी ने कहा प्रयत्न करते हो अगर मिले तो लाके देते हैं, तो उसने कहा तू प्रयत्न करने का क्या है, और उन्होंने माता सुमति के गले का मंगलसूत्र दूर से खींच दिया और शिष्यों को कहा कि बोल कौशिक महामुनि ने यह मंगलसूत्र भेजा है और उसको आने के लिए रात को बोल दे, शिष्यों के आंखों से आंसू आए, माता सुमति अपनी ओर देख कर रोने लगी और उन्होंने कहा कि अगर देना है तो ले जाओ, और आती है तो मेरा कोई ये नहीं है, शिष्यों को भेजा, जब वो वेश्या गई और उन्होंने बाकी कौशिक महामुनि के वो कुष्ठ व्याधि वाला हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे ऐसा उन्होंने कहा, ये बात इतनी तक चली कि मेरे पास दास दासियां नहीं है, तुम दो शिष्य और सुमति माता मेरे पास पांच साल तक दासी तत्व का दासी तत्व करते हैं, तो आज रात में एक दिन उसके पास आने के लिए तैयार, क्या करें शिष्य क्या करें वो माँ, उन दोनों ने जाकर कहा कि हम इस चीज को तैयार है उसकी आज रात की, वो कह रहा है कि मैं बावला हो गया हूँ, तुम अगर उनको नहीं लाती हूँ तो मैं यहाँ चटपट आकर मर जाऊंगा और उसका पाप तुम्हें लगेगा, शिष्यों को भी और पत्नी को भी। उन्होंने वो बात मान ली और उसके पास सुमति के पास सुमति ने कहा कि तेरी दासत्व हमें मान्य है, तो गई कि मैं उसके पास नहीं आऊंगी, तुम्हें उसे मेरे पास लाना होगा, और सुमति माँ और दो शिष्य रात उसको
टोकरी में बिठा कर ले जाना चाहते थे, उतने विकर्ण महर्षि एक जंगल में फांसी की सजा से लटक रहे थे, जो उनके नीचे कोई लकड़ी हो गई थी और अंधेरे में न दिखने के कारण वो टोकरी हट गई और मुकुंड महामुनि एकदम उनको फांसी लग गई जो श्राप ग्रस्त थे, और उन्हें श्राप दे दिया कि कल सुबह तक तेरा पति सूर्योदय से पहले मर जाएगा। बाद में यह सभी अंशुई की बात गई, अंशुया माता ने रोका, सारे देवताएं प्रसन्न हुए और उनकी उनके मरण को रोका गया। जब मरण को रोका गया और कौशिक महामुनि सिद्ध होकर बाहर आए, उनको उनकी सारा शरीर दिव्य हो गया और कहा कि केवल शिष्य धर्म और पातिव्रत धर्म के लिए हजारों शिष्यों में से मेरे साथ दो शिष्य रहे और एक पत्नी रही। मैं इस संसार में तुम्हें कहता हूं कि जब तक कल्पवास हो मैं भगवान नारायण के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप उनकी सेवा में उनके पास रहेंगे, या मैं गुरु का आशीर्वाद देते हुए इन दो शिष्यों को और पत्नी को आशीर्वाद देता हूं जो उनके साथ रहे। मैं योग्य गुरु हूं, मैं ये कार्य करता हूं और मैं ये कार्य करके बताता हूं। कौशिक महामुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। उन दो शिष्यों में सुमती माँ ने कहा कि मैं अगर पातिव्रत धर्म में इतनी श्रेष्ठता है तो मैं आपको ही पति रूप में चाहती हूँ। दोनों शिष्यों में से एक शिष्य ने कहा इतनी बड़ी बात भगवान विष्णु से बढ़कर क्या होता है, आपने भगवान विष्णु का पद दे दिया है, मैं चले जाता हूं। लेकिन एक शिष्य ठहरा, उसने कहा प्रभु हमें अगर विष्णु पद मिलता है तो आप कहां रहते हैं। उसने कहा कि आज तक मैंने पत्नी को और जिन शिष्यों को कठोर परीक्षा लेते हुए जो कष्ट पहुंचाए हैं उसका ऋण मुझे चुकाना है, इसलिए मुझे पृथ्वी पर ही रहना पड़ेगा। मैंने तुम्हें परीक्षा के माध्यम से जो कष्ट मैंने पहुंचाए हैं उस कष्ट को सहने के लिए मुझे पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। तो आखिरी वाला शिष्य कहता है प्रभु फिर ऐसी स्थिति ऐसा विष्णुपुत्र मुझे किसके चाहिए, अगर मेरे परीक्षा के कारण मेरा गुरु दुखी होता है तो ऐसी परीक्षा क्या और परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। आप ये वचन दो कि आप किसी प्रकार का कष्ट अनुभव नहीं करेंगे, मेरे बदले आप स्वर्ग में जाकर रहो, मैं इस कष्ट भोगने के लिए यहाँ तैयार हूँ। और ऐसे शिष्य को लेकर और उसे ही इस संसार में अगर आप नाम जानते हैं तो रामदेव की काल में पुंडरीक नाम का एक विष्णु स्वरूप एक व्यक्ति हुआ जिसे पुंडरीक के नाम से आज भी तिलक लगाया जाता है, पौंडरीक कहते हैं इसे, और पुंडरीक शिष्य हुआ तो कौशिक महामुनि के शिष्य थे जिसने गुरु की शुश्रूषा की। ये सारी बातें हुई, होने के बाद जो शिष्य धूर्त था दूसरा वो वाला था कि गुरु जी अगर आप इतना सब कुछ है ये सारी बातें शिष्य क्यों है, परीक्षा करते हैं तो हमें अगले जन्म में जाकर इसका फल भोगने के लिए क्यों छोड़ते, इस जन्म में ही इसका फल देते तो बहुत अच्छा था, अब हम अगला जन्म कब आए कब देखे हमारे को और ये सारी चीजें हुई तो कब होगा। आप इस संसार में कष्ट भोगे हैं तो अभी फल दे दो ना, अभी परीक्षा लेके पास करते हैं तो अभी सर्टिफिकेट दे दो ना। लेकिन उन्होंने कहा मैं ऐसा गुरु हूँ अगर किसी को पता चल जाए कि सारा सरेंडर करने से गुरु की सेवा अभी तक करने से स्वर्ग मिलता है, इंद्र भगवान को मिलता है, तो हर एक आदमी आपका अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आएगा, फल अभी पूछेगा। अगले जन्म की बात करूंगा तो कोई नहीं आएगा, इसके लिए जन्म में फल नहीं था, फल अगले जन्म में होगा, शिष्यता इस जन्म में होगी। इसलिए गुरु कोई भी फल देने से पहले विचार करता है, अगर मैं आपको आप सबको आपका सब कुछ मुझे समर्पण कर दो मैं आपको धनवान करोड़पति बनाऊंगा तो आप सब कुछ आगे मेरे पास रख देंगे और बोले प्रभु करोड़पति को बना लेंगे। मैं अगर बोलूंगा कि तुम्हारे करोड़पति आखिरी जन्म में बनाऊंगा तो कोई नहीं आएगा। इस बारे में सोचने के लिए हमें जो क्रिया करनी है गुरु क्रिया करता है। तो इस क्रिया में इसको मैं इस बात को इसलिए बता रहा था कि सिद्धाश्रम केवल कौशिक महामुनि भी थे और उस कौशिक महामुनि को सिद्धाश्रम पहुंचने के लिए सिद्धाश्रम रहने के लिए उन्होंने जो किया कि हर एक जीवन के हर एक शिष्य में परीक्षा की और उस परीक्षा में पास या उत्तीर्ण होने के लिए जिस अंगीठी से जिस अग्नि से गुजरना पड़ता है, जिस तपस्या से गुजरना, जिस तप से गुजरना पड़ता है उस तपस्या के लिए हम सक्षम है और गुरु सक्षमता के लिए इस सिद्धाश्रम की साधना होता है। गुरु जी को पता है हम 60 वर्ष की आयु में कोई सिद्धाश्रम साधना प्राप्ति या दशमांग या सिद्ध नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर गुरु चाहे तो सिद्धाश्रम ले जा सकते हैं। गुरु के हाथ में अगर गुरु का वो धन है तो गुरु हमारा हाथ पकड़ ले जा सकते हैं। और गुरु ने सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना इसलिए की थी कि वहां के सिद्धों को बताने के लिए, तुम्हारे शरीर को कायाकल्प करने के लिए। मैं आज भी बहुत बार आपको एक बात कह चुका हूँ, मेरे जीवन में बात चुभती है उस दिन की आज भी गुरु जी की साधनाओं की। हमारे पास अदृश्य सिद्धि है, हमारे पास संजीवनी विद्या है, हमारे पास ज्योतिष की ऐसी चीज है जैसे मैंने कल का महाकाल भैरव की साधना की, हमारे पास हमारा पूर्व जन्म आने वाला जन्म ज्ञात करने की तरीका है। लेकिन आज भी कोई स्टेज पर ये चैलेंज के साथ नहीं कह सकता कि मैं फ्यूचर में क्या होने वाला है, मैं चैलेंज के साथ बता दूं तो हमारी विद्या किस काम है। संजीवनी विद्या कोई बताने वाला इस संसार में तो हमारी विद्या किस काम की, ये केवल पुस्तकों में रहेगी। आकाश में उड़ने वाली चीजें, अदृश्य होने वाली चीजें, अणिमा की सिद्धियां जिसके बारे में लघु अंगूठे के उतना हो जाता है और विश्व रूप में विश्व के रूप पड़ता है, कोई है आपको इतने में बताया वाला स्वामी फिर स्वामी के सिवा जिसने उनके शिष्यों को बताया था, बाद में विश्वधानी ने बताया,
उन्होंने 30 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा सिर अपना करके बताया था और बच्चे से उत्पन्न हो गई। क्या ये सिद्धियां है? अगर है तो हम संसार को जीत सकते हैं। तो ये सिद्धियां कहां है? ये सिद्धियां सत्याश्रम में। ये सिद्धियां सिद्धाश्रम में। सिद्धाश्रम इसके पहुंचना जाए चाहिए कि सिद्ध योगा जीवन में अगर अपन एक बार भी लगा लिए और सिद्धाश्रम की मिट्टी को टिकट बनकर लगा लिए और वहां की सिद्धों को देखा तो ये तत्क्रम अंत है कि अपने की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। और सिद्धाश्रम किसी के पहुंचने की बात बुरी कहा करते थे तुम्हारे शरीर का कायाकल्प हो, वही सिद्धाश्रम की साधना। परंतु जो सद्गुरुदेव की चरणों में प्रार्थना करता हुआ उस मंत्र को आज दे रहा हूँ। जो यंत्र गुरु ने रंगोली के ऊपर डाला था वही विद्युत यंत्र मैं आपके सामने रखा हूँ। ये लोग जो आज अभी पांचवा मंत्र जप कर लेंगे और उसके साथ इस यंत्र को हाथ में लेकर, यंत्र बाद में मोहरा जपने के बाद लेना, और जो यंत्र हाथ में रख लेंगे आपको पंचमुखी आसन में चढ़ने की क्रिया करवाऊंगा। ये भी बात पूछ सकते हैं आप, इतना करके यंत्र को क्यों लेना चाहिए? हम बहुत ही पहलवान हैं लेकिन आगे वाला बंदूक हाथ में रखा हुआ है तो बंदूक के समय पहलवानी की जरूरत, इसको बंदूक या रक्षा कुछ रखना पड़ता। आप बहुत बुद्धिमान हैं लेकिन अगर जाकर पंचमुखी आसन पर बुद्धि चंचल हुई, एक मांगे क्या एक मांगिए तो मेरा चौड़ा हो जिससे इतने आपके लोग आएंगे बोले गुरुजी वो क्या मांगा और क्या हुआ पागल हो गया। पंचमुखी आसन पर जब बैठते हैं तो विशेष रूप से क्या मांगना चाहिए यानी चित्त चंचल नहीं होना चाहिए। गलती से एक मांगने की एक मांग एक चीज मांगिए तो काम खत्म। जैसे कि आपने को एक बार की कहावत मालूम, वहां रावण का भाई कुंभकर्ण था, बहुत बड़ी तपस्या किया, इतनी तपस्या की रावण से भी बढ़कर हुशार था, तपस्या में शिष्ट वो बहुत सिद्ध हो गया, ब्रह्मा प्रसन्न होने वाले थे तो सब इंद्रादेव देवता गए, एक रावण से भी नहीं जूझ रहे, अगर कुंभकर्ण सिद्ध हो गया तो प्रभु हमारी क्या स्थिति है, इसको रोको, अगर ये कुछ भी मान ले मांग लेगा तो कैसा होगा। तुमने क्या तुमने कहा कि कुंभकर्ण क्या मांगने वाला है? कुंभकर्ण मांगने वाला इंद्र आसन मांगने वाला है, इंद्र का आसन मांगने वाला है। इंद्र ने कहा कि प्रभु कुछ करो, बृहस्पति के पास गए, नमस्कार किए, बोले कुछ ना कुछ करो। तो सब इतना सिद्ध इतना तपस्या करे वाला जब गया और मांगने के लिए ब्रह्मा और जब आए तो उन्होंने कहा, सभी लोगों ने माता सरस्वती से प्रार्थना की कि इसके जीव पर जाके बैठ जाओ और वो इंद्रासन नहीं मांगे ऐसा कुछ करो। जैसे ही माँ सरस्वती उसके अवतार पे, ब्रह्मा ने कहा कुंभकर्ण वर मांग, तो उसने इंद्रासन की जगह निंद्रासन खोल दिया और वो कभी भी सोता गया। तो इस तरह मुझे डर है कि कभी आप पंचमुखी आसन में जाकर इंद्र की जगह इंद्र मांगे तो हमेशा के लिए सो जाएंगे। इसलिए हम बंदूक उठाते हैं अपनी रक्षा के लिए, हाथ में वो शक्ति हो भाग सकते हैं लेकिन अपने पास कोई कोई हथियार हो, यंत्र एक हथियार ऐसा हथियार है जहाँ अपनी शक्ति कुंठित हो जाती है वहां यंत्र काम करता है। इसलिए अब करो और बाद में पंचमुखी आसन चढ़ने से पहले उस यंत्र और माला को अपने साथ रखकर एक बार मंत्र बोलते हुए उस आसन पर बैठ कर रुक जाओ और कल सुबह का कार्यक्रम है। पहले पंचमुखी आसन पर बैठने से पहले जिस दो पांच माला मंत्र जब करना है उस मंत्र को आपको बोलना सभी मेरे साथ उच्चारण करें। प्रार्थना करें सद्गुरु मैं उच्चारण करवा मेरे साथ उच्चारण ओम गुरु वै गुरु देवताय ऐं ह्रीं श्रीं ओम ओम गुरु वै गुरु देवताय ऐं ह्रीं श्रीं ओम ओम गुरु वै गुरु देवताय ऐं ह्रीं श्रीं ओम। आप इस मंत्र को पांच माला मंत्र जब आपके पास जब स्फटिक माला है उस माला से करेंगे, उसके बाद पंचमुखी आसन कल सिद्ध होकर चढ़ने के लिए आपको यंत्र और माला लेनी होगी। जो यंत्र और माला लेंगे उनको पंचमुखी आसन पर कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ाया जाएगा। यंत्र और मंत्र मिल रहा है वहां भी नहीं ले सकते हैं। मंत्र ओम गुरु वै गुरु देवाय ऐं ह्रीं श्रीं ओम ये मंत्र लिखा हुआ है, मंत्र साथ में मिल रहा है, यंत्र और माला मिल रही है। मैं इसलिए क्या था कि आप यहाँ से उठ के ना जाए, आप यंत्र माला वहां से ला लेकर भी आप साधना कर सकते हैं, वहां अवेलेबल है, लेकिन इस यंत्र को लेने वाले को ही पंचमुखी आसन पर चढ़ने के लिए आज्ञा दी जाएगी।